जनपद संभल के भेजोई में स्थित डीआर रिसोर्ट में डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक को किया संबोधित, साथ ही गोबर गैस प्लांट व शूटिंग रेंज का किया उद्घाटन। जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी हलचल तेज हो रही है और नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनपद संभल के जिला मुख्यालय भेजोई पर स्थित डीआर रिसोर्ट में पहुंचे और वहां पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि रामपुर और आजमगढ़ में कमल खिल चुका है और अब संभल की बारी है और यहां पर भी आप कार्यकर्ता कमल खिलाने का काम करेंगे। गुंडे और अपराधी यूपी छोड़कर भाग रहे हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर भी तीखा हमला बोला। सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि वे समाप्तवादी पार्टी बन चुकी है। बसपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बसपा के सांसद को भारत माँ की जय बोलने पर भी आपत्ति है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद डिप्टी सीएम ने सदातवाड़ी में गोबर गैस प्लांट का उद्घाटन करने के बाद भेजोई नगर पालिका क्षेत्र में स्थित शूटिंग रेंज का उद्घाटन भी किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में उप मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। वहीं प्रेस वार्ता करते हुए डिप्टी सीएम ने ओम प्रकाश राजभर के अखिलेश यादव को सेफई पहुंचाने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि वे कुछ दिन उनके साथ रहकर आए हैं, वे उन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। प्रकाश राजभर का बयान आया जिन्होंने कहा सूद समेत अखिलेश यादव को सेफई पहुंचाऊंगा, नहीं तो मैं अपने माँ बाप की औलाद नहीं हूँ। क्या कहना है इस संबंध में? इसका कुछ कहना नहीं, उन्होंने बयान कोई दिया है वो जानते हैं, इसलिए अखिलेश यादव जी के साथ कुछ दिन वो रहे हैं, इसलिए अखिलेश यादव जी के बारे में वो जानते हैं, सपा के बारे में जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टिकरण भारत छोड़ो का नारा दिया है और उस नारे के क्रम में मैं यह मानता हूं कि सपा समाजवादी पार्टी बनेगी, सपा का सफाया उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। 2022 में जनता जनार्दन को कुछ धोखेबाजी करके वह जरूर 100 से अधिक विधायक जिताने में कामयाब हुए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 2027 का जब चुनाव आएगा तो 2017 के आंकड़े से नीचे सपा रहेगी और 2024 में तो सपा का यूपी से खाता भी नहीं। सर, गुलाम नबी आजाद ने कहा है दूसरे को कर ले तो आप ही क्यों कर ले? एक 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 यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक गोष्ठ के जैसे नेता है शाहनवाज आलम, उन्होंने कहा है कि अयोध्या का फैसला तथ्यों के आधार पर नहीं हुआ, केवल भावनाओं के आधार पर हुआ है। एक तो मैं ये आपको कह दूं कि कोई भी कुछ बोल दे उस पर मैं प्रतिक्रिया दूं कि उचित नहीं। अयोध्या में शानदार ढंग से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जय श्री राम का नारा देश और दुनिया में राम भक्त गुंजायमान कर रहे हैं और रामलला का भव्य मंदिर बनना चाहिए, वो बन रहा है और वो बनेगा और इस प्रकार के बयानों का कोई नहीं। सर, कांग्रेस सरकार में केवल मंदिर व मस्जिद जो है सुरक्षित होने की जैसे बात कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार करने वाले दलों का एक जो समूह है उसको जोड़ करके जो यूपीए ही है उसको कोई दूसरा नाम देना गलत होगा। श्री राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश दुनिया में नंबर एक बन सकता है क्या? श्री राहुल गांधी जी अगर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये जो 2000 का 2000 किसान के खाते में जा रहा है जा पाएगा क्या? श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो 13.5 करोड़ किसान गरीब, केवल अभी 9 साल का समय बीता है और अब वो गरीबी रेखा से बाहर आ गए। कांग्रेस उनको गरीबी रेखा से बाहर ला सकती थी क्या? जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा सकती थी क्या? पूरे विश्व के अंदर भारत के तिरंगे का मान स्थापित करने का वो काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसीलिए सबने ठाना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाना। सर, विपक्ष कह रहा है कि सरकार विकास की बात कर रही है, लेकिन देखा जाए तो वो आरोप उसका ये है कि सरकार सिर्फ हिंदू तब के मुद्दे पर लोकसभा का चुनाव जीतना चाहती है, ये कहाँ तक सही है? ये उनको कह लीजिए मोदी फोबिया हो गया जी, विपक्ष को उनको खौफ सता रहा है कि दूसरी बार तक तो अभी भ्रष्टाचार जो किए हैं उसकी जांच हो रही है, छापे पड़ रहे हैं और जो नोट की गड्डियां और सोने और चांदी की सिल्लियां और तमाम कीमती भूखंडों के दस्तावेज मिल रहे हैं, तीसरी बार मोदी जी आएंगे तो पूरा हिसाब चुकता कर देंगे या लूटा हुआ एक एक पाई गरीब कल्याण के लिए खर्च कर। सर, मुरादाबाद मंडल में काफी स्थिति कमजोर है सियासी तौर पर बीजेपी की, संभल में, मुरादाबाद में, अमरोहा में, क्या प्लानिंग? आप विश्वास रखो जिसे आप आज कमजोर कह रहे हो, 2024 का रिजल्ट आने के बाद कहोगे कि मुरादाबाद मंडल भाजपा की दृष्टि से सबसे मजबूत। सर, एक सवाल और है, अभी आपने इसके बयान में अपने कहा भी था कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी अफसर हैं
विधायक या मंत्री का इनके रेस्पॉन्स नहीं देते, फोन रिसीव नहीं करते हैं। अभी 4-5 दिन पहले मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए थे कि कम से कम डीएम एसपी जो है वो एक मंत्री के फोन रिसीव करें। क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में एकदम गलत है, नौकरशाही गलत बात है? देखिए, कोई अधिकारी ऐसा नहीं करता, और कोई अधिकारी ऐसा करेगा तो हमारी सरकार एक लोकतांत्रिक देश और प्रदेश की सरकार है। अधिकारियों का कर्तव्य है कि जनप्रतिनिधियों की बात, जनता की बात, पदाधिकारियों की बात वह सुने, और जो समाधान करने लायक उसको बहुत आदरपूर्वक समाधान करे। कोई लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लोग करते हैं। अभी तो आखिरी सवाल करो और लोग कर ले रहे हैं। हाँ, और किसी का है बचा? नहीं सर, एक सवाल है कि 2011 से ये जिला बना हुआ है, उसके बाद इसका जिला मुख्यालय यहाँ पर घोषित तो है, लेकिन यहाँ पर जो आवास है और भवन है और अभी संभल में बहुत लोग मुकदमा करके, जहाँ जिला मुख्यालय बनना था उसमें मुकदमा चल रहा था, इसके लिए सरकार ने प्रयास किया, एक मुकदमा खत्म हो गया, दूसरा खत्म करवाने का प्रयास कर रहे हैं। भव्य जिला मुख्यालय बनेगा, पुलिस लाइन बनने जा रही है, आपके यहाँ पीएससी की बटालियन स्थापित होने जा रही है, तो संभल का विकास भाजपा के साथ। सर, आखिरी सवाल है, कांग्रेस के नेता जो है गुलाम नबी आजाद, उन्होंने बयान दिया है, कांग्रेस के नेता भी वो नहीं है, कांग्रेस छोड़ चुके हैं। जी जी, मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ पे कश्मीर से,